29/5/22 ये दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसको कोई भी चाह करके नहीं भुला सकता, क्योंकि इस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था और वो भी बीच रोड पे सरेआम। अब कत्ल की दरअसल वजह क्या है वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कोई कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है, कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी वापस लेने की वजह से हुआ है, अब कोई यूं कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की दुश्मनी थी या फिर सिद्धू मूसेवाला लोगों का बुरा चाहते थे। और हम आज भी अभी तक इस हत्या के पीछे का कारण ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार सिद्धू की किससे दुश्मनी थी या फिर सिद्धू को क्यों मरवाया गया। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वॉर्ड। कहानी 7 सितंबर 1996 की, जब तुपाक शकूर के साथ में भी कुछ ऐसे ही हादसा हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले ली गई थी। वो भी ऐसे ही बाहर निकले और अचानक से कुछ लोगों ने उनको घेरा और वहां गोलियों से उनके ऊपर वार कर दिया जिससे कि उनकी जान चली गई। तुपाक शकूर कौन है? अमेरिका के एक जाने माने सिंगर, एक जाने माने रैपर जिनका बहुत ज्यादा नाम जोरों शोरों पर चल रहा था। सिद्धू मूसेवाला का कनेक्शन इनसे यूं जुड़ा है कि सिद्धू उनको अपना गुरु मानते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने कई गानों में उनका जिक्र भी किया, जैसे एग्जांपल के लिए सिद्धू मूसेवाला का सेकंड लास्ट गाना द लास्ट राइड सिद्धू मूसेवाला का था, उसके अंदर इस राइड का जिक्र हुआ है। अगर आप उस सॉन्ग में जाकर देखेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ सिद्धू मूसेवाला ने वहां उस सॉन्ग के अंदर बताया हुआ है। यहां तक कि कुछ इमेज भी यूज की गई है, कुछ वीडियो सिद्धू मूसेवाला ने अपने कई गानों के अंदर रिपीटेड यूज की है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जानते थे कि उनके साथ में कितना ज्यादा गलत हुआ है, पूरा गैंगस्टर उनके पीछे लगा हुआ था। क्योंकि ऐसे ही तुपाक शकूर को सच बोलने की आदत थी और वो भी अपनी आवाज को कभी नहीं दबाते थे और साथ ही साथ में अपने जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री के उन सबको सपोर्टिव में बोलते थे। अब ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला तुपाक को एडमायर करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे और अपने कई गानों में उनका जिक्र भी छेड़ते थे। तो फिर क्या था, सिद्धू मूसेवाला ने इन सब चीजों को रिलेट करके अपने गाने बनाने शुरू कर दिए और साथ में अपनी ऑडियंस को यह मैसेज देने की कोशिश करी कि आपको सामने वाला कोई कितना दबाने की कोशिश करे मगर आपको दबना नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर किसी को हेड थ्रेट दिया करते थे। सिद्धू मूसेवाला तो खुद इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, अपने सभी फैंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। कोई अगर उनके विलेज में उनसे मिलने आ जाया करता था तो वो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देते थे जितना वो अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे, वैसे ही उनके फैन के साथ में व्यवहार था। मगर अभी भी हमें वो टॉपिक नहीं मिल सका है कि सिद्धू मूसेवाला की आखिरकार हत्या क्यों कर दी गई थी, क्या दुश्मनी थी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की आंखों में सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला छोटे से गाँव में रहने वाला सिद्धू मूसेवाला, जिसकी नस नस में एक्टिंग बसती हो, जिसकी आवाज काफी ज्यादा सुरीली हो, सपने कुछ कर दिखाने के मगर जितने भी आसपास के लोग थे वो सिद्धू को हेट थ्रेट दिया करते थे, यानी कि उनको नेगेटिव वे में आंसर किया करते थे कि तू कुछ नहीं कर सकेगा और दूसरी बात तेरी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले एक्टिंग के लिए शक्ल सूरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धू मूसेवाला इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे मगर घर वालों से सिद्धू मूसेवाला को हौसला मिलता रहा। फिर अचानक से सिद्धू मूसेवाला ने गाने गाने शुरू कर दिए, अपने खुद के गाने बनाने की सिद्धू ने कोशिश करी मगर वो नहीं हो रहा था। सिद्धू एक प्रोडक्शन हाउस में भी गए, वहाँ पर सिद्धू को साफ मना कर दिया गया कि हम नहीं करवाएंगे, मतलब कोई भी गाना हम नहीं लिखेंगे। सिद्धू मूसेवाला ने फिर वहाँ थोड़ा सा रेस्ट लिया, लेते लेते फिर अपने खुद के गाने लिखकर खुद के ही गाने शुरू कर दिए और अचानक से देखते ही देखते एक गाना सिद्धू मूसेवाला का सोहाई नाम से बहुत तेज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहाँ से सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लोग भी बन गए और उनको प्यार करने वाले लोग भी बन गए और जितने भी आसपास के रहने वाले लोग थे उन सबको सिद्धू मूसेवाला का मुंहतोड़ जवाब भी मिला था, क्योंकि वो जिस तरह से बात कहते थे, सिद्धू मूसेवाला का कहना था कि एक दिन में नाम रोशन करके दिखाऊंगा और अपने इस गांव की सभी जगह पहचान करवा दूंगा, तो सिद्धू मूसेवाला ने अपने नाम को ही सिद्धू मूसेवाला रख डाला जिससे कि उनकी ओरिजिनल पहचान होती है। अब सिद्धू मूसेवाला आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उनके फैंस लाखों की तादाद में बढ़ते चले जा रहे थे, सॉन्ग उनके मिलियंस में जाते चले जा रहे थे, लोग अपनी प्लेलिस्ट में उनके सॉन्ग को सेव कर करके रख रहे थे, उनके गाने सुन रहे थे। यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला ने एक होटल में नौकरी भी की थी, वहाँ पर बर्तन धोने के सिद्धू मूसेवाला नौकरी कर रहे थे मगर जो पास का स्टाफ है वो सब सिद्धू के गाने गुनगुना रहा था। फिर जब बाद में सिद्धू ने बताया कि ये मेरा गाना है तो वो पूरा स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। अब ऐसे करके सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, फॉलोइंग पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो वैसे ही सिद्धू के हेट थ्रेट्स भी
हद से ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए थे, मगर साथ में सिद्धू कभी रुके नहीं, कभी नीचे झुके नहीं। सिद्धू अपनी शान से जिंदगी जिया करते थे। उनका ये कहना था कि चाहे जो भी बोले, मगर हमें जो करना है सो करना है, और कोई हमें कितना ही दबाने की कोशिश कर ले, हमें बिल्कुल रुकना नहीं है। मैं गन के साथ पला बड़ा हूँ और गन के साथ ही मरूंगा। आज एक बार फिर से वही वाली हिस्ट्री दोबारा से रचाई गई जो 1996 में हुआ था। सिद्धू मूसेवाला टूपाक के बहुत बड़े फैन थे और वही वाली घटना सिद्धू के साथ में दोबारा से दोहराई गई। अब सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनको हिट थ्रेड्स गैंग की तरफ से भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो अपने गानों के अंदर ज्यादातर गन का इस्तेमाल किया करते थे और अपनी खड़ी भाषा बोलते थे, यानी कि झुकना नहीं है किसी के आगे, अपने सभी फैंस को ये सब बताया करते थे। साथ में जो भी पंजाबी सिंगर थे उनका सपोर्टिव भी सिद्धू मूसेवाला किया करते थे खुद, यानी कि हेट थ्रेड उन लोग को आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही गैंग का पीछा सिद्धू मूसेवाला का घेरता गया और आज वो दिन सामने आ गया। अभी इस गैंग के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है, साथ में गोल्डी बरार का भी नाम सामने आ रहा है। अब भाई इन दोनों गैंगों में से कौन सच है कौन झूठ है ये तो खैर ऊपर वाला ही जाने, मगर हाँ गोल्डी बरार ने एक ये पोस्ट जारी किया, आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए और तसल्ली के साथ में पढ़ भी लीजिए। फिर अब से 10 महीने पहले सिद्धू मूसेवाला ने 295 गाना लॉन्च किया अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर। अब से 10 महीने पहले सिद्धू का वो गाना आया था 295, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जर्नी को लेकर के काफी डिस्कशन किया था, काफी सारी वहां पर बातें कही थी, रैप किए थे, यानी कि इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो वो किसी से दबना नहीं है। हमने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया ये कोई नहीं जानता, अगर ये जानने पर कोई आ जाए तो डेफिनेटली हमारा कोई भी बुरा नहीं चाहेगा, मगर हमारे बापू हमेशा मुझ पर प्राउड किया करते थे, तो बस मैं इसीलिए अपनी जिंदगी को ज्यादा शान से जी रहा हूं, साथ में मेरे फैंस का सपोर्टिव है तो मुझे और क्या चाहिए। उस 295 सॉन्ग के अंदर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जर्नी से रिलेटेड काफी सारी बातें शेयर करी। अब उस 295 गाने का लाना देख लो और उसके बाद से सिद्धू मूसेवाला के पीछे गैंग का पढ़ना देख लो। बताया जा रहा है कि गैंग पिछले 10 महीनों से सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रही है, यानी कि रडार पे तो थे मगर वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब हमें मौका मिले और कब हम सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूने, और वो भी इस तरह से भूने जो ये टूपाक का फैन है, जैसा उसके साथ में हुआ था उसी घटना को दोबारा से दोहराया जाएगा। मगर अचानक से सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी वापस ले ली गई और साथ में उनके पास उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ साफ निशाना हमारा ये जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे का कारण सबसे बड़ा कोई अपना ही है, जो इस पूरे कांड को अंजाम दे रहा था और वहां तक मुखबरी कर रहा था कि सिद्धू मूसेवाला निकलेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं है, तो वहीं पर ही हमला बोल दिया जाए। अब जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपने एक फ्रेंड और अपने कजन ब्रदर के साथ में अपनी थार ब्लैक कलर की लेकर निकलते हैं रोड पर, तो मानसा के रोड पर उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और तकरीबन 60 से भी ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसमें से 30-35 गोलियां गाड़ी पर लगी हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी मौजूद थे। अभी ये कंफर्म तय नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला को कितनी गोलियां लगी हैं, मगर हाँ बताया जा रहा है कि सिद्धू को तकरीबन 30 से 35 के करीब गोलियां लगी हैं गाड़ी पर, जिसमें से 20 के करीब सिद्धू मूसेवाला को लगी हैं। तो अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमें हमारे सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल गया होगा। लास्ट राइड गाने का आना देख लो, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सिंगर रैपर टूपाक शकूर का उस गाने के अंदर जिक्र किया था, कुछ फुटेज भी यूज करी थी, साथ ही साथ में काफी सारे गानों में यूज करी है, मगर उस लास्ट राइड में खास तौर से उन्होंने ये स्पेशली दिखाया कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर हमें दबा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला किसी के साथ में गलत नहीं थे, मगर किसी के आगे झुकते भी नहीं थे कि कोई अगर उनको हेट थ्रेड दे रहा है तो सिद्धू मूसेवाला उसके आगे झुक जाए, और नतीजा ये है कि आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है। 1996 में जो टूपाक के साथ में हादसा हुआ था वो एक अमेरिका के सबसे बड़े लेजेंड थे, और इधर जो हादसा हुआ है वो एक इंडिया के पंजाब के सबसे बड़े लेजेंड माने जाएंगे अभी भी। मगर आज की डेट में सिद्धू के जाने के बाद लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो बढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई एक लेजेंड शख्स हो उसकी होते हुए कदर कर लो, जब वो चला जाता है फिर हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। अरे मैं कहता हूं कि भाई अब फॉलो करने से क्या फायदा, अब कौन सा हमारा सिद्धू वापस आ सकता है फॉलो करने से। तो इसीलिए ये दुनिया है, जो दिखता है जाहिर सी बात है वो बिकता है। पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या विचार है एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।